सोमवार की देर शाम बकेवर स्थित केशव हॉस्पिटल में एक महिला का 30,000 रुपए लेकर ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें बच्चे को मृत बताकर परिजनों को दफनाने के लिए दे दिया गया। उसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि जब दफनाने गए तो बच्चा जीवित था और नाभि में कैंची लगी छोड़ दी थी। तमाम मीडिया अखबारों में खबर प्रकाशित हुई तो उसके बाद मौके पर डिप्टी CMO श्रीनिवास और मितेंद्र राजपूत हॉस्पिटल का मौका मुआयना करने आए। अस्पताल संचालक और डिप्टी CMO के कुछ देर बंद कमरे में गुफ्तगू होने के बाद जब मीडिया द्वारा डिप्टी CMO से कार्यवाही पूछी गई तो डिप्टी CMO ने अस्पताल की सीज करने की बात कही। यह भी कहा कि अस्पताल का कोई भी और कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब सवाल उठता है कि अब अस्पताल का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अस्पताल में कैसे ऑपरेशन हुए, और ऑपरेशन हुआ तो डिप्टी CMO ने कार्यवाही के नाम पर OT किस आधार पर सीज की, जबकि अस्पताल को और घटनाओं के लिए खुला ही छोड़ दिया। केशव हॉस्पिटल पिछले एक साल से ज्यादा समय से संचालित है। आज की कार्यवाही से साफ तौर पर साबित होता है बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में आखिर कैसे चलाए जा रहे हैं। वहाँ पे फंसा दिया जाए, आप तुम ज्यादा करो, तुम्हारा लड़का तो गया ही, आप ज्यादा करो तुम्हारा पेशेंट भी जाएगा। हम तो फंसा ही गएंगे तो कि तुम्हारा पेशेंट भी फेंक देंगे। बीपी हाई होता है, घबरा गया तो वो फिट रह जाओ। शाम का आए थे, हां हां, ऑपरेशन कराई भी है। मैंने सब बोली कि तुम मैं नोरवाल से 15,000 मतलब मैं ऑपरेशन से, फिर मेरे बच्चा आते वो आए वहाँ पैसा जमा कर। कितने रुपए जमा करें? 30,000। दूसरे को शिव सिंह जो अंदर, ये पत्नी है आपकी? पत्नी है? हाँ। मैं कहाँ के निवासी हैं? सराय मिट्ठे के। नहीं तो क्या हुआ? मैंने रकल से भर्ती है बच्चा, मैंने बोला, इन्होंने बोला रात में नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे, इन्होंने नहीं की। फिर सुबह मैंने बोला, उन्होंने बोला कि 10 बजे, हमने बोला 10 बजे ऑपरेशन कर दो मेरा, इन्होंने बोला रुको 12 बजे के बाद देख के नॉर्मल हो जाए तो कर देंगे, 12 बजे के बाद करेंगे। नहीं, कहाँ ले गए थे? सरकारी अस्पताल ले? सरकारी ले गए थे। तो वहाँ से यहाँ पर कैसे आया? अरे ऐसे ही थोड़ा छोटा मोटा क्लिनिक यहीं पे है उसी में, तो मैंने कहा ये हॉस्पिटल अच्छा है तो इसमें दिखा लें, तो उन्होंने ऐसे ही दिखा, लिटा रहे रात भर। यहाँ पर कर दिया? नहीं, आशा नहीं आई तुम्हारी, पहले आई थी दवाई दिलाई, यहाँ से 4-5 दिन पहले दवाई दिला गई और अभी तक वो दवाई रखी है हमारी। इतनी नहीं तो क्या बच्चे को क्या हुआ? बच्चा इन्होंने जिंदा था, क्या बोले कि जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ, दफना के आओ, भीड़ मत लगाओ, यहाँ से जाओ, डॉक्टर ही लाएगा कहीं। और वो भी अपने औजार भी, इन्होंने इतना बड़ा औजार बड़ा सा छोड़ दिया साथ में लगे बच्चे को, बच्चे के। हाँ, और तब मेरे भाई ने वहाँ दफनाया तो कह रहे हैं सांस चल रही थी, तो उसके हपा के भरे, यहाँ पे सबने बोला कि बच्चे का तरुआ लिप उसके हट रहे हैं, तो कह रहे नहीं नहीं बच्चा मर गया, हम डॉक्टर है तुम हो गई, तो घबरा रहे, कह रहे ज़्यादा करोगे तुम्हारा सांस चल रही, तो बोले तुम्हारा ज़्यादा करोगे तुम्हारा खेत भी बचाए, घर मकान कुछ भी नहीं कर पाओगे सब। हाँ सर, आप यहाँ पर बकेवर आए थे तो क्या कर रही है? यहाँ पर कल एक मरीज का, जो पूजा देवी नाम की एक मरीज थी सराय मिट्ठे की, उनका कल यहाँ जो है एक प्रसव के लिए ऑपरेशन किया गया था और उसमें जो है मृत बच्चा पैदा हुआ था, तो उसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे। मरीज स्वस्थ है, पूजा देवी स्वस्थ हैं, और जो उनका मरीज बच्चा था वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में भी उसको जो है मृत ही बताया गया था, वो यहाँ ऑपरेशन से वो मृत ही पैदा हुआ था, और इनका अस्पताल जो है संचालित पाया गया है, मरीज यहाँ हैं। मरीज के पति के अनुरोध पर आज अस्पताल को सील नहीं कर रहे हैं, OT इनकी सील कर दी गई है, और मरीज का स्वस्थ होने पर इनके आगे कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल किसके नाम है? अस्पताल कोई संचालक इनका जो है किसी नाम से नहीं है, केशव सिंह अस्पताल, केशव अस्पताल के नाम से ये इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, अस्पताल अभी पंजीकृत नहीं है। अच्छा, जो यहाँ डॉक्टर आए थे वो कहाँ से आए थे? ये अब ये जांच का विषय है, अभी इनसे इनको बुला के जो है नोटिस इनको दिया गया है, OT इनकी सील कर दी गई, इनको बुलाते हैं और डॉक्टर कौन थे उनके बारे में जांच की जाएगी। अभी सील नहीं किया, OT को सील कर दिया गया। हॉस्पिटल के मानक हैं कुछ यहाँ? हॉस्पिटल के मानक तो अभी ये जो है इनके पास OT संचालित है, तो OT में जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो इन्होंने लगा रखी हैं, और मानक की बात तो करेंगे जब इनका पंजीकरण हो, तो इन्होंने क्या क्या चीज़ उसमें दिखा रहे हैं, मानक इनके आवेदन के हिसाब से मानक देखे जाते हैं कि अपने यहाँ क्या सेवाएं देना चाहते हैं, और उन सेवाओं के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं, मानक वहाँ आता है, अभी इनका पंजीकरण ही नहीं है। निरीक्षण के दौरान कोई डॉक्टर पाया गया है?
निरीक्षण के दौरान इनकी ओटी जो है वो पूरी तरह से तैयार है और जो है जितना सामान होना चाहिए लगभग सारी चीज़ें हैं ऑपरेशन के लिए इनके पास। लेकिन जब इनका पंजीकरण नहीं है तो फिर हम कैसे कह देंगे कि मानक में ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कराना चाह रहे हैं। तो उस तरह से हम मानक की बात तब करेंगे जब ये आवेदन में अपने में कहें कि हम ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाओं के लायक ये हैं कि नहीं है, तब मानक की बात है। मतलब हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल पंजीकृत नहीं है। पाया गया? नहीं।